अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज किस वीडियो के अंदर हमने जो हमारे इलेक्ट्रिक गैजेट्स के आइकन की जो एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है उसका जो अगला पार्ट एक माउस का जो आइकन है, आज किस वीडियो के अंदर हम एक माउस का आइकन बनाएंगे। सो आज किस वीडियो का करते हैं गॉस, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल ले रहा हूँ और सिंगल क्लिक स्क्रीन पे गई के इसको मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ साइन कर दूंगा, जिसकी मैं विड्थ जो रख रहा हूँ 150, हाइट 250 और जो हाइट को 250 से मैं कर रहा हूँ 200 और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है उसे मैं 75 रख रहा हूँ और यहाँ से मैं करूँगा ओके। तो मेरे पास एक शेप आ गई है। अब मैं इसके अंदर कलर करूँगा तो मैं यहाँ से ग्रेडियंट का कलर करना चाहता हूँ। ग्रेडियंट पर क्लिक करके यहाँ पर जो मेरे पास रेडिकल ग्रेडियंट है इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कलर का जो कुछ इस तरह साइन कर दूँगा और इसका जो वाइट वाला है थोड़ा सा मैं डार्कनेस कम करके यहाँ से ये कलर साइन कर दूँगा। अब मैं अनदर राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल की मदद से एक शेप ले रहा हूँ और इसे यहाँ से ऐसे ड्रैगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं जाके यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। अब मैं इसके अंदर जो कलर है उसे कर रहा हूँ और इसका जो स्ट्रोक कलर है उसे कर रहा हूँ ख़त्म। और अनदर मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल ले रहा हूँ जिसकी मदद से मैं एक शेप ड्रा करूँगा, इसको मैं पकड़ के ऐसे ट्रैकिंग करके बाद में इसे मैं इक्वल कर दूँगा और इसे भी ट्रैकिंग करके थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा और इसे भी थोड़ा सा नीचे कर दूँगा, थोड़ा सा इक्वल और नीचे कर दूँगा। और इसका जो कलर मैं रख रहा हूँ वो यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर ग्रे में से। और अब मैं पेन टूल ले रहा हूँ, पेन टूल से यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन मैं ड्रा करूँगा, ठीक है, और इसके जो मैं कॉर्नर्स पॉइंट है उसे मैं अभी के लिए कर रहा हूँ विड्थ, इसकी मैं इंक्रीज कर लूँ पहले। इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसे मैं कर रहा हूँ कर्व और यहाँ पे इसका जो मैं कलर देना चाह रहा हूँ वो वाइट कलर, ओके। और इसका स्ट्रोक मैं अभी के लिए कर रहा हूँ मज़ीद इंक्रीज, इसे मैं 2 पर लेके जा रहा हूँ और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर देता हूँ, यहाँ से मज़ीद इसे मैं पकड़ कर ड्रैग इन करके नीचे ले आता हूँ और इसे भी पकड़ कर मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। सो अब मैं अनदर पेन टूल की मदद से एक और लाइन ड्रा करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक और इसका जो स्ट्रोक कलर होगा उसको मैं कर रहा हूँ 0.5, ओके। और अभी मैं जो मेन मेरी ये शेप है उसकी एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल सी की मदद से, कंट्रोल एफ की मदद से यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूँगा। और इसका जो मैं कलर है उसे अभी के लिए कर रहा हूँ वाइट, ओके। और वाइट कलर करने के बाद मैं पेन टूल ले रहा हूँ, पेन टूल की मदद से मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगा दूँगा। देन मेरे पास जो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है उसकी मदद से मैं ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं इसकी शेप के, जो अपर वाली मेरी शेप थी उसके पॉइंट्स को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, हर पॉइंट को सिलेक्ट करके सिंगल क्लिक करके उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। सो अभी ये जो मेरे पास रह गई है बाकी शेप, इसको मैं इसका जो ओपेसिटी है उसे मैं कर रहा हूँ 8। और अब इसकी जो माउस की जो आइकन है इसकी जो वायर है वो बनाने के लिए मैं यहाँ से जो मेरे पास कर्वेचर टूल होगा उसकी मदद से यहाँ से पकड़ कर ऐसे मैं कुछ लाइंस ड्रा करूँगा एज अ वायर जो माउस की यूज़ होती है, और यहाँ से ऐसे। सो यहाँ से जाके इसका जो मैं स्ट्रोक कलर है उसे कर रहा हूँ इंक्रीज 3 पर और इसे अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर दूँगा। और स्ट्रोक का कलर जो होगा उसे मैं डार्क ब्राउन कर दूँगा। सो देख सकते हैं मेरे पास एक प्रॉपर जो आइकन का जो हमारा गैजेट था वो बनकर रेडी हो गया है। सो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।